हे आ गया हूँ मैं एक धमाकेदार वीडियो लेकर। वैसे मैं था कहाँ, वो बातें बाद में। पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो कुछ मुझको न्यूज़ पता चली है थोड़ी सी अपने एआई के बारे में और बाकी सबके बारे में, तो आपको मैं आगे वीडियो में दिखाने वाला हूँ। वीडियो के साथ जुड़ जाए। सबसे पहली न्यूज़ है हमारी, मैं आपको बताने वाला हूँ एमएस धोनी के बारे में, जो सबका फेवरेट है। माही, आपका तो फेवरेट क्रिकेटर है ऑब्वियसली, उसके बारे में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। उन्होंने रिसेंटली एक गाना गाया है, ऐसी रील बनाई थी जब वो सारे एक कैंपस में बैठे हुए थे, उनके साथ के मेंबर्स भी, और वो भी। जो गाना गाया है वो मैं आपको दिखाने वाला दिल हूँ। में ये दिल जले आए है, एक एहसान कर अपने मेहमान पर, अपने मेहमान पर एक एहसान कर। दे दुआएं तुझे उम्र भर के लिए, दे दुआएं तुझे उम्र भर के लिए, सलाम ए इश्क मेरी जान। आपको ये गाना कैसा लगा? मुझको तो ये गाना बहुत ही पसंद आया। अगर जैसा आपको पसंद आया आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, क्योंकि नेक्स्ट न्यूज़ आने वाली है अपने पुनीत सुपरस्टार के बारे में, जिन्हें कौन नहीं जानता भाई, सब जानते हैं उनको। और उसके बारे में न्यूज़ ये आने वाली है, वो इतने ज़्यादा जल्दी से फेमस अब होते जा रहे हैं, तो इंडिया टाइम्स वालों ने अपने इंस्टाग्राम पेज पे खुद उसकी रील डाली और उसके बारे में बताया है, अपने पुनीत सुपरस्टार के बारे में, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उसने पुनीत सुपरस्टार ने भी अपनी उन वीडियो को दिखाते हुए अपने इंस्टाग्राम पे रील डाली है कि मेरी रील इंडिया टाइम्स में आ गई है, तो देखते हैं। He swims in a puddle of muddy water, smears toothpaste and chili powder on his face, and he has 3 million followers on Instagram. Seeing his popularity, he was also invited to Big Boss OTT. अपने पुनीत भाई के लिए एक लाइक तो बनता है। अब मैं सारी बात छोड़कर अपने आगे वीडियो में चलता हूँ, और अब आपको मैं आगे दिखाने वाला हूँ। जो दिखाने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा अच्छा भी है और बेकार भी है। उसमें मैं दिखाने वाला हूँ, अलक पांडे ने खुद बताया है चैट जीपीटी कितना नुकसान करने वाला है हमारी आगे की लाइफ को, और क्या उसके थोड़े से फायदे हैं या थोड़े से नुकसान है वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। और बाकी आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो फिजिक्स वाला, और उनको देख सकते हो कि उन्होंने वीडियो क्या डाली है। मैं आपको शॉर्ट्स में न्यूज़ बता रहा हूँ कि क्या बताया उन्होंने, और आपको तो पता ही है एआई के ज़माने में क्या क्या होता जा रहा है। अब आपको मैं आगे वीडियो में दिखाता हूँ। ओपनली बोलते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खतरा परमाणु युद्ध के बराबर या उससे ज्यादा है। इस सिलसिले में जो सबसे गंभीर घटना है वो है डीप फेक पॉर्न। हाँ, मैं मानव जाति का विनाश करूंगी, आई विल डिस्ट्रॉय ह्यूमंस। ये एआई, ये रोबोट हमारे बराबर नहीं, हमसे ज्यादा बुद्धिमान होने वाले हैं। जय हिंद, मेरा नाम। तो जैसा आपने देखा अलक पांडे ने क्या क्या बताया, आप मेरे हिसाब से समझ ही गए होंगे, इतने तो समझदार हो कि एआई के बारे में वो कहना क्या चाहते हैं और हमारी एजुकेशन पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है उसका। तो इसके साथ मैं अब आगे बढ़ता हूँ, और आपको आगे बढ़ के मैं बताने वाला हूँ UK07 राइडर की न्यूज़, जो वो अपनी सुप्रा लेने जा रहे हैं और उनको रास्ते में इतना नुकसान हो चुका है। आज 8 जुलाई उन्होंने तुरंत ही व्लॉग पोस्ट कर दिया है, शाम के 5 बजे उन्होंने व्लॉग पोस्ट कर दिया है, तो उनके नेक्स्ट या उससे थर्ड नेक्स्ट व्लॉग में आपको सुप्रा दिख जाएगी, वो मैं आपको बोल सकता हूँ।